काम नहीं करता, क्योंकि यहाँ के लोग आज अगर सबसे ज्यादा किसी भी चीज से परेशान है तो रोजगार से परेशान। लोग गुजरात जाते हैं, लोग चेन्नई जाते हैं, और यहाँ का जो एक जीरो है कलाल टाइप के जो लोग है, लोग ले जाता है वहाँ, भिन्न भिन्न प्रकार के समस्याओं से लोग फंस जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग वहाँ मृत्यु भी मजदूरों की हो जाती है, घर का बेटा का झारखंड का बेटा का मृत्यु हो जाता है, वहां से लाश भी यहाँ नहीं आ पाता है। तो चूंकि चुनाव का मेला है, और खास करके मेरा सभी जदयू के कार्यकर्ताओं से मेरा आग्रह होगा कि जो भी बात है तमाम बातों को अभी भूल कर हम लोगों का जो नेता का नीतीश जी का थिरु महतो जी का जो आदेश आया है उसको गांव गांव तक पहुंचाना है। गिरिडीह लोकसभा से श्री चंद्र प्रकाश चौधरी को ज्यादा से ज्यादा वोटों से जिताना। मैं आपको बताऊं कि पिछली बार इस बागमारा विधानसभा में 1,04,000 वोट इनका था, तो यह आंकड़ा भी बढ़ना चाहिए। और जो लोग यह कहने का काम करते हैं कि आते नहीं है, कुछ काम नहीं किए, उनका एक किताब माननीय सांसद महोदय जी का छपा है, उसमें पूरा डिटेल दिया गया है। मैं इनसे आग्रह भी करना चाहूंगा कि कम से कम 25-50 कॉपी अगर यदि उपलब्ध हो जाए तो हम लोग प्रमुख कार्यकर्ता को उसको देने का काम करें। तो माननीय सांसद जी, आज मैं कार्यकर्ताओं की ओर से यह विश्वास दिलाता हूँ कि आपका जो आंकड़ा बागमारा विधानसभा टुंडी विधानसभा में था, निश्चित रूप से वह आंकड़ा हम लोग बढ़ाने का काम करेंगे। और आपका जिस प्रकार का आदेश होगा हम लोग आपके साथ कदम से कदम मिलाकर हम लोग चलने का काम करेंगे, हम लोग मंजिल हासिल करने का काम करेंगे। और पूरे झारखंड में गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र जो है यहाँ के श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी को सबसे ज्यादा वोट से जिताने का काम करेंगे। यही संकल्प के साथ, यही आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को बहुत बहुत सभी साथी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देते हुए विराम करता हूँ। लेकिन पहली बार आप लोग कहते हमारे विशाखी पर आंदोलन को लेकर हम आंदोलन भी किए और हमको सफलता भी मिला। आज डॉक्टर बोलेंचा थोड़ा सबसे ट्रिब्यूनल बना था जहाँ विशाखियों का समस्या का समाधान बना था जो आज तक बना ही नहीं, इसलिए विशाखी का समस्या आज भी झारखंड में तो सबसे बड़ा हित हम लोगों का हुआ है। विधानसभा लोकसभा में हमने प्रश्न भी उठाया और विशाखियों का समस्या का समाधान होते आज ट्रिब्यूनल बन चुका है, क्योंकि सेशन के अंतिम क्षण में ट्रिब्यूनल बना है। लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूँ आने वाले समय में लोकसभा चुनाव के बाद विशाखियों का हक लगाए, क्योंकि मैं भी एक विस्थापित परिवार से हूँ, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरा विश्वास जमीन चुनाव में गया है और उस दर्द को मैं इसी तरह से जानता। अरे गुरुनारायण सिंह जी ने भी कहा कि भाई जिनका 1 इंच गली नहीं गया है वह दुस्थापित का दर्द को नहीं जान सकता, स्वाभाविक है। इसलिए मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आने वाले समय में पूर्वांचल क्षेत्र में जो दुस्थापित का हक है उसको खिलाने के लिए हम ट्रिब्यूनल का तो गठन किए ही है, उससे और भी हक के लिए विकास के लिए क्षेत्र के लोगों को रोजगार के लिए आंदोलन भी करना पड़ेगा। तो हम आपके साथ खड़ा भी ये बात कर सकते हैं चुनावी कार्यक्रम है और इस चुनावी कार्यक्रम में और भी कई जगह कार्यक्रम है। मैं पुनः आप लोगों को अपनी ओर से आश्वस्त करता हूँ कि NDA गठबंधन का जो हम लोगों का जो शासकीय भाव 400 पार, क्योंकि सभी सहयोगी कल मिलकर हम लोगों को 400 पार करना और कई देश हित में थे और भी बड़े बड़े निर्णय लेना है, तो निश्चित तौर पर आपका सहयोग आपका प्यार मिले और फिर से नरेंद्र मोदी जी को हम लोग प्रधानमंत्री बना सके, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ सबको धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की।
कंप्लेंट भी जा रहा है। एक डिसमिल जमीन किसी योजना में नहीं गया है, वो विस्थापन क्या होता है वह नहीं जान सकता है। आज हम लोग देखते हैं कि यहाँ के लोगों का जमीन छीन लिया जाता है, कई एक ऐसे प्रोजेक्ट है, चाहे वो बीसीसीएल की प्रोजेक्ट हो, चाहे रेल चौड़ीकरण की प्रोजेक्ट हो, चाहे हाई टेंशन विद्युतीकरण की बात हो, लोगों का जहां मुआवजा की बात होती है, जहां अधिकार की बात होती है, यहां के गरीब लोगों को दबाने का काम किया जाता है। माननीय सांसद जी, मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, लोकसभा क्षेत्र के चाहे टुंडी हो, चाहे बागवाड़ा हो, चाहे डुबरी हो, चाहे जो भी विधानसभा हो, आप आदेश देने का काम करिए, आपका एक एक कार्यकर्ता आपके अनुसार काम करिए। लेकिन साथ ही साथ मेरा आग्रह होगा, मुझे बहुत नजदीक से आपको जानने का प्रयास जब किया तो मुझे जानकारी मिली कि यहाँ के लोगों के जो पीड़ा है उस पीड़े को बड़ी व्यवहार की शैली के साथ आप बोलते उठाने का काम करते हैं। मेरा तमाम यहाँ के छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान साथियों और जदयू के कार्यकर्ताओं की ओर से आपसे आग्रह होगा कि यहाँ जो विस्थापन की जो बात है वो सदन में आप जोरदार ढंग से उठाने का काम। सीपी चले जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी मैं आपको बताऊं, ये जो रेल चौड़ीकरण की जो फोर लेन चौड़ीकरण की जो कार्य चल रही है, इसमें कई गांव के रास्ता को ब्लॉक किया गया। हम लोगों ने कई गांव में संघर्ष करने का काम किया, रास्ता छूटा भी, और अभी भी बहुत ऐसा जगह है जहां लोग रास्ता के लिए परेशान है। दूसरी बात है, हमारे प्रशासन सांसद के कार्यक्रम के अध्यक्ष हमारे अपने प्रिय नेता चंद्र प्रकाश और हमारे राष्ट्रीय दल जनता दल यूनाइटेड जो एनडीए फोल्डर में हमारे नेता नीतीश कुमार जी है, उनका आह्वान है कि हम लोग सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश झारखंड में एक एक सीट पर जहां भी जदयू का कार्यकर्ता है पूरे ईमानदारी के साथ एनडीए प्रत्याशी को निकालने का काम करें। और साथ ही जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जदयू के कार्यकर्ता बहुत ही मेहनत करके पुनः एक बार झारखंड के गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र में अपना संगठन को खड़ा करने का काम किया। माननीय सांसद जी, मैं आपको आग्रह पूर्वक बताना चाहता हूँ कि यह जो बागमारा विधानसभा क्षेत्र है, इस क्षेत्र में जो यहाँ की जो पीड़ा है, यहाँ का जो विस्थापन का जो लोगों का पीड़ा है, यहाँ का जो प्लायन की स्थिति है, आपसे लोगों का बहुत आशा है। जब आप 2019 में जीतने का काम किए तो
यहाँ के लोगों को लगा कि एक घर का आदमी जो शरीर पीड़ा को